हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है कमल कुमार। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। मैं माल्टा के रिलेटेड में वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कमल कुमार 2009। एक बंदा था दोस्तों, बहुत समय से मेरे साथ जुड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट 7 से 8 महीना हो गया होगा। और वर्क परमिट कैसे करना है मैंने सारा कुछ बताया था, ऑनलाइन अप्लाई भी कर रहा था बंदा, लेकिन ऑनलाइन से हुआ नहीं था। वेटर है वो, वेटर के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन बनी नहीं बात। तो फिर मैंने बोला कि जो भी एजेंट वगैरह हैं आपके सिटी में, क्योंकि जिन एजेंटों को मैं जानता हूँ वो बहुत दूर हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर अप एंड डाउन या कुछ काम के लिए किसी भी तरीके से। ऐसा तो है नहीं कि आप सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ करते रहोगे, एक ना एक टाइम तो आपको जाना ही पड़ता है ऑफिस में। तो फिर उसने बंदे ने एजेंट ढूंढा, ठीक है, अपने सिटी में ढूंढा। उसके बाद फिर उसने प्रोसेस शुरू किया, चलो 4 महीने बाद अप्रूवल लेटर आ गया, मतलब टोटल 8 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को। अप्रूवल लेटर आ गया, उसके बाद VFS में फाइल सबमिट करी, सबमिट के बाद फिर उसको मेल आती है, आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू हुई उसकी, फ़ोन पे इंटरव्यू हुई थी उसकी, वीडियो कॉल पे। और उसके बाद वो बंदा पजल हो गया थोड़ा सा, तो मुझे उसने सारी चीज़ें बताई। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ हाइड किया उसने कि नहीं नहीं मैं तो सब सही था, मेरा तो सब कुछ सही हुआ। और अगला खुद ही मान गया कि हाँ यार मेरी भी गलती है इसमें। तो फिर इंटरव्यू उसका सही हुआ नहीं। चलो वेटर का काम जो करता था उसके बारे में पूछा, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो तो आपका जो वर्क है जिस काम के लिए आप जा रहे हो उसके लिए उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, बाकी तो वह ज़्यादा उनके पास समय भी होता नहीं है, वो जल्दी जल्दी में बस माल्टा के बारे में पूछ लेते हैं, आपको जॉब कैसे मिला, कैसे क्या किया आपने, ठीक है, और माल्टा कहाँ है, अकोमोडेशन का एड्रेस क्या है, बस यही चीज़ें पूछते होते हैं। लेकिन उस बंदे से पूछा तो माल्टा के बारे में पूछा, उसने बता दिया, अकोमोडेशन पे वो पजल हो गया जी, ठीक है। उसे 2 बार अकोमोडेशन का पूछा, पहली बार अकोमोडेशन पे पजल हो गया, भूल गया। उसके बाद सेकंड टाइम पे फिर एम्प्लॉयर का नाम पूछा, वो बता दिया। एक मिनट, हाँ तो फिर एम्प्लॉयर का नाम पूछा, वो बता दिया उसने। उसके बाद फिर दोबारा से फिर से अकोमोडेशन पे आ गया वो कि वेयर इज़ योर अकोमोडेशन, वेयर यू विल स्टे इन माल्टा। उसके बाद फिर रुका, उसके बाद फिर बता दिया उसने। फिर उसने अपॉलोजी की कि मैं भूल गया था, एक्चुअली मैं नर्वस हो गया था, ऐसे ऐसे करके उसने बोला। उसको इंग्लिश उसकी अच्छी है बंदे की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 2-4 और क्वेश्चन पूछे कि माल्टा के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा, इसमें पजल हो गया वो। क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, आप तो बोल नहीं सकते हो कि मैंने एजेंट से काम करवाया है, तो माल्टा के बारे में आपको कैसे पता लगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फिर जब पजल हो गया वो, तो फिर उसने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कैपिटल सिटी ऑफ माल्टा का पूछा, वो उसने बता दिया। लेकिन जो मेन चीज़ है दोस्तों, माल्टा के बारे में कैसे पता लगा, आपको ये चीज़ के बारे में आपको 100% कन्फर्म होना चाहिए कि माल्टा कहाँ है, कैसे पता लगा। क्योंकि माल्टा के बारे में हर बंदा नहीं जानता, अगर आप हर बंदे से पूछ लोगे माल्टा कहाँ है तो बता देंगे, वो नहीं बता पाएंगे आपको। अगर किसी से पूछो कि भाई इटली कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, एक एक बंदा बता देगा आपको कहाँ है ये, कहाँ है ये, सब कुछ पता है। लेकिन इसके बारे में पता नहीं है, इवन मुझे नहीं पता था, ठीक है। ये 2021 से, इससे 2021 से पहले मुझे पता नहीं था माल्टा है कहाँ पे। तो ये चीज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ऑनलाइन जॉब आपको मिली है तो सीधा आपने ये बोलना है कि मैं बस यूरोप के लिए जो बेस्ट कंट्रीज हैं वर्क नेचर के वाइज और सैलरी के थ्रू, सैलरीज के वाइज मैं देख रहा था, गूगल में सर्च कर रहा था कौन सी कंट्री है, उसके बाद फिर मुझे माल्टा का नाम दिखा। फ्रेंकली बोलूँ तो मुझे माल्टा के बारे में पता नहीं था पहले, तो फिर मैंने माल्टा के बारे में सर्च किया, माल्टा की मैंने स्टडी की, उसके बाद फिर मैंने माल्टा में फिर जॉब सर्च करनी शुरू की, उसके बाद फिर मुझे एम्प्लॉयर मिला, फिर मैंने अपना CV सेंड किया, उसके बाद फिर मेरी इंटरव्यू हुई, HR के ने मेरी इंटरव्यू ली, उसके बाद जाके फिर मुझे वर्क परमिट मिला, फिर मैंने फिर BFS में फाइल सबमिट किया। ऐसे आपने बताना होता है, ऐसे नहीं कि आपको पूछ ले कि माल्टा कहाँ पर है, आपको माल्टा के कैसे पता लगा, आप पजल हो जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर पता ही आपको। बहरहाल बंदे का वीज़ा हो गया जी रिफ्यूज़। आज ही मुझे मैसेज आया, सर वीज़ा रिफ्यूज़ होके आ गया। तो क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको थोड़ी बता देंगे कि भाई वीज़ा रिफ्यूज़ है, हम आपको वीज़ा देंगे नहीं, ठीक है। US तो है ही नहीं, US में तो सीधा बता देते हैं उनकी जो इंटरव्यू होती है। तो वीज़ा उसका रिफ्यूज़ हो गया, बंदा बहुत सैड हो गया, क्योंकि 8 से 9 महीना उसका चला गया।
आपको पता ही है, मैंने पहले भी बोला हुआ कि अगर आप माल्टा का ट्राई कर रहे हो दोस्तों, आप इस सपने में मत रहो कि हम वीजा प्रोसेस शुरू हो चुका है, हम यहाँ आएंगे, यूरो कमाएंगे। माल्टा का वर्क वीज़ा लगना आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बार जब मैंने अप्लाई किया था, मेरा नसीब नहीं था। सेकेंड टाइम पे मेरा नसीब ने मेरा साथ दिया, उसके बाद मेरा वीज़ा लग गया था। तो इसलिए माल्टा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 1 साल मान के चलो कि मोटा मोटा आपका 1 साल लगेगा, 1 साल आपका वेस्ट जा सकता है। लेकिन उस 1 साल के बीच में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपने जॉब क्विट नहीं करनी है। जब तक आपका वीज़ा का रिजल्ट नहीं आ जाता, जॉब मत छोड़ना दोस्तों। ये ना हो कि जो भी आप जॉब कर रहे हो उस जॉब से भी हाथ धो बैठो और वीज़ा भी ना लगे, तो आपका फिर दोनों फिर आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि दोबारा आप जाओगे, सर मुझे दोबारा रख लो, अच्छा लगता नहीं है। क्योंकि आपको दोबारा से कहीं और कंपनी में जाओगे तो आपकी जो वो रेपुटेशन जो आप उस कंपनी में आपने बनाई थी वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। सभी से हाय हेलो, सबसे पहचान वगैरह दोबारा से करनी पड़ेगी, तो आपका समय बहुत जाएगा इसमें। और अगर आपने माल्टा के लिए लगा भी हुआ है तो अपना बैकअप प्लान देखो कोई और, कि अगर मेरा वीज़ा नहीं लगा तो मैं क्या करूँगा। तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए दोस्तों। बंदा बहुत सैड था, मुझे पता है, वीज़ा जब नहीं लगता है इतने टाइम के बाद डेफिनेटली बंदा बहुत सैड होता है। तो कहता कि अब मैंने माल्टा का सपना लेना छोड़ दिया है, अब मैं अपने ही सिटी में कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जाऊँगा। बंदे का ये डिसीजन था। चलो मैंने उससे बात की, 5 से 10 मेरी 10 मिनट मेरी बात हुई तो बहुत दुखी था। चलो होता है ऐसा, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना है। आपका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर वीज़ा लग गया तो लग गया, अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर नहीं लगा तो क्या कहते हैं, अपसेट नहीं होना है दोस्तों कि हाँ भी खत्म हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत लंबी है, ठीक है, चलता रहेगा। भगवान ने अगर आपका ये प्लान नहीं किया तो आपके लिए कोई अच्छा प्लान भगवान ने करके रखा हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।